हरियाणा महाराष्ट्र के साथ साथ 24 अक्टूबर को पंजाब की जनता ने भी अपना 4 सीटों पर अपना जनादेश सुनाया। पंजाब में जनता ने 3 सीटों पर कांग्रेस पर विश्वास जताया तो वहीं 1 सीट पर अकाली की ओर से कब्जा किया गया। ढाका के जनता ने शिरोमणि अकाली दल के प्रत्याशी मनप्रीत अयाली के सिर पर जीत का ताज सजाया। आप ये रिपोर्ट देखिए। चुनाव चुनाव चुनाव, जी हां, हरियाणा महाराष्ट्र के साथ साथ पंजाब की 4 सीटों पर भी उपचुनाव हुए। जनता ने मतदान किया जिसके बाद सभी को इंतजार मतगणना का था। 24 अक्टूबर को सुबह 8 बजे मतगणना शुरू हुई। मतगणना के हर चरण के साथ चौंकाने वाले खुलासे होते रहे। कांग्रेस और बीजेपी दोनों में ही कांटे की टक्कर दिन भर चलती रही। कभी तो यूं लग रहा था कि मानो कैप्टन अमरिंदर की धुरंधर खिलाड़ी मैदान में बाजी मारेंगे और कभी यूं लगा कि बादल की टीम मैदान में गरजेगी। लेकिन पहले राउंड की गिनती के बाद ही ढाका में हालात साफ हो गए। पहले चरण में मनप्रीत अयाली 2255 मतों से आगे हो गए। उसके बाद एक के बाद एक चरण पूरे होते गए और शिरोमणि अकाली दल अपना सिक्का जमाए बैठा रहा। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि पार्टी में कौन कौन मैदान में था और किसे कितने वोट मिले। मनप्रीत सिंह अयाली शिरोमणि अकाली दल से चुनावी रण में ताल ठोक रहे थे जिन्हें 66,297 वोट मिले। वहीं संदीप सिंह संधू कांग्रेस पार्टी से चुनावी रण में ताल ठोक रहे थे जिन्हें 51,625 वोट मिले। सुखदेव सिंह चाद एलआईपी से चुनावी रण में थे जिन्हें 8,441 वोट मिले। अमनदीप सिंह आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनावी रण में ताल ठोक रहे थे जिन्हें 2,804 वोट मिले। इन आंकड़ों से ये तो साफ हो गया कि शिरोमणि अकाली दल प्रत्याशी मनप्रीत सिंह अयाली ने भारी अंतर से जीत हासिल की। मनप्रीत सिंह अयाली ने 14,672 मतों से जीत का ताज पहना। आपको बता दें कि ढाका सीट आपके एचएस पुलका के इस्तीफा देने के बाद खाली हो गई थी, लेकिन आम आदमी पार्टी इस सीट पर अपना कब्जा जमाए रखने में नाकामयाब साबित हुई। सिर्फ यही नहीं बल्कि पंजाब की राजनीति में अपना अहम रोल अदा करने वाली उन चारों पार्टियों में आपका सबसे खराब प्रदर्शन रहा, जबकि लोक इंसाफ पार्टी के सुखदीप सिंह आम आदमी पार्टी के अमनदीप से भी आगे निकल गए। 4 विधानसभा क्षेत्रों में 7,68,000 मतदाताओं ने 33 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला किया और ढाका का ताज शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार मनप्रीत सिंह अयाली के सर सजा। जनता टीवी के लिए कंचन की रिपोर्ट।